नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आपने बहुत सी स्टोरीज सुनी होंगी जो जीरो से हीरो बने हुए हैं। आज लेकिन मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जहाँ पर कोई व्यक्ति अर्थ से फर्श तक की तरफ अपनी यात्रा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुशील कुमार जी के बारे में हम लोग जानेंगे, पूरी स्टोरी जानेंगे। सबसे पहले इनकी अचीवमेंट को जानेंगे, उसके बाद हम लोग पूरे प्रकरण को समझेंगे कि क्यों इस समय ये चर्चे में हैं। तो सुशील कुमार की अर्थ से फर्श तक की कहानी इस वीडियो में होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ आपको मिलने वाला है, तो पूरा आपको एंड तक देखना है वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही कॉन्टेंट आपके पास आते रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों, पहलवानी के, कुश्ती के भगवान माने जाने वाले सुशील कुमार के बारे में बात करेंगे, बेसिक चीज़ों के बारे में। जी हाँ, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को भगवान माना जाता है, ऐसे सुशील कुमार को दोस्तों पहलवानी में, कुश्ती में बहुत सारे युवा पहलवान जो हैं वो अपना आइडियल मानते हैं, भगवान तक मानते हैं। लेकिन आज ये इस जगह पर आ गए हैं, ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि इनको जेल हो गई है। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, इनका नाम सुशील कुमार है। ये पहलवानी यानी कुश्ती यानी इंग्लिश में कहें रेसलिंग के ये खिलाड़ी हैं। 26 मई 1983 को इनका जन्म हुआ दिल्ली में। ये दिल्ली से ये संबंध रखते हैं भारत से। सबसे पहले हम लोग इनकी इनकी लाइफ के बारे में जो अचीवमेंट हुई हैं उसको जानेंगे, फिर हम लोग एंड में बात करेंगे कि अभी ये क्या मामला हुआ, क्यों ये जेल के लिए गए हुए हैं, अभी पुलिस रिमांड पर क्यों हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट रहा वो रहा ओलंपिक का, उसके बारे में जानेंगे। 2008 में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 66 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में बीजिंग ओलंपिक में इनके नाम दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल आया। फिर अगला ओलंपिक जब हुआ लंदन ओलंपिक 2012 में, तो उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये ओलंपिक में दो मेडल पा चुके हैं, दो मेडल जीत चुके हैं 66 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में। इसके बाद वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भी ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं 2010 में मॉस्को में, जो कि आयोजित हुआ था उसमें भी ये 66 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में जीते थे गोल्ड मेडल। इसके बाद एशियन गेम्स में 2006 में जो हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, दोहा में जो हुआ था, कतर में हुआ था 66 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में। फिर एशियन चैंपियनशिप में भी इनके कई सारे मेडल्स हैं, जैसे 2003 में जो न्यू दिल्ली में हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल, फिर 2007 वाले में सिल्वर मेडल, फिर 2008 में ब्रॉन्ज मेडल, इसके बाद गोल्ड मेडल 2010 में ये पाए हुए थे एशियन चैंपियनशिप में। इसके अलावा दोस्तों आप लोग अभी गिनते जाइए कितने ज़्यादा मेडल इन्होंने जीते हुए हैं कुश्ती में, रेसलिंग में। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इनके तीन गोल्ड मेडल हैं। 2010 में हुआ था कॉमनवेल्थ दिल्ली में और 66 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता। फिर 2014 में ग्लासगो में हुआ उसमें 74 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फिर इसके बाद 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, इसमें 74 किलोग्राम की फ्री स्टाइल में इन्होंने गोल्ड जीता। तो यानी तीन लगातार गोल्ड रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में के। अब देखिए, दो मेडल वहाँ पर ओलंपिक में, तीन कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स में मेडल, एशियन चैंपियनशिप में इतने ज़्यादा मेडल। इसके बाद कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में अगर बात करें तो इसमें भी बहुत सारे गोल्ड, पांच गोल्ड तो कॉमनवेल्थ के चैंपियनशिप में है, ठीक है, पांच गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल। इतना मेडल जीतने के बाद कोई खिलाड़ी क्यों ना किसी का आइडियल बन जाए। ये दोस्तों, ये बहुत सारे भारत के जितने भी युवा हैं, युवा पहलवान हैं, उनके आइडियल थे। यही नहीं रुकते इनके अचीवमेंट, इन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी हासिल किए हैं भारत में। जैसे इनको अर्जुन अवार्ड मिला खेल के क्षेत्र में, जो कि दिया जाता है 2005 में मिला। राजीव गांधी खेल रत्न का भी पुरस्कार मिला, जो कि खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको 2009 में मिला था, ठीक है, ये वही साल था जब तीन महान दिग्गजों को मिला था राजीव गांधी खेल रत्न। एक तो मैरी कॉम, इनको भी आप जानते हैं भली भांत, एक विजेंद्र कुमार, इनको भी आप लोग जानते हैं, विजेंद्र सिंह को भी, ठीक है, मुक्केबाज हैं, और एक सुशील कुमार। इन तीन व्यक्तियों को 2009 में मिला था राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार। इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया 2011 में, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। इन सब के अलावा दोस्तों, ये स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी सारी उपलब्धियां, इतना बड़ा खिलाड़ी, ऐसा क्या हुआ जब इस खिलाड़ी को जेल जाना पड़ रहा है? तो दरअसल दोस्तों, ये एक मर्डर केस में फंसे हुए हैं। पूरा मामला क्या है समझते हैं। एक्चुअली में दोस्तों, अभी 4 मई 2021 को दिल्ली में एक स्टेडियम है, छत्रसाल स्टेडियम। छत्रसाल स्टेडियम में दोस्तों ये और इनके कुछ साथी रेसलर जो हैं
और भी जो कई रेसलर थे, दो गुट बन गया था एक्चुअली में, दो गुटों के बीच में हुई झड़प, दो ग्रुप के बीच में जब झड़प हुई तो उसमें इनका जो ग्रुप था ये भारी पड़ा और इन्होंने अगले ग्रुप के एक मेंबर को कुछ ज़्यादा ही पीट दिया, उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर दी, वो ज़्यादा घायल हो गया। उसका नाम था सागर धनखड़। तो सागर धनखड़ की दोस्तों काफ़ी ज़्यादा उसको चोटें आईं और फिर हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सागर धनखड़ नाम याद रखना है, सागर धनखड़ नाम के एक जूनियर पहलवान की मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में, ठीक है, इलाज के टाइम पर। तो फिर इस वजह से, इसके बाद से ये और इनके कई साथी जो हैं वो पुलिस की नज़र में आ गए और पुलिस उनके पीछे लग गई। अब ये 18 दिनों तक फरार चल रहे थे, सुशील कुमार 18 दिनों तक गायब थे, इनको पुलिस ढूंढ रही थी, अलग अलग जगह पर छापे मार रही थी। इसके बाद इनको पकड़ा गया दिल्ली में ही, ठीक है, दिल्ली में ये आए पकड़ में और अब इनको 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब इसमें कुछ बात ये आ रही है, लड़ाई के पीछे का कारण ये आ रहा है कि जो जो सागर धनखड़ था उनके बीच में और इनके बीच में कुछ ज़मीनी विवाद भी था, ज़मीन को लेकर के, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर के भी कुछ विवाद था, ठीक है। तो इसको इस ये भी बातें सामने आ रही हैं, कुछ कंपटीशन को लेकर भी सामने आ रही हैं बातें, ठीक है। लेकिन अब क्या बात थी ये तो अभी अब सुशील कुमार ही बताएंगे, पुलिस रिमांड में गए हुए हैं, ठीक है। फिलहाल मर्डर हुआ है और इस पर तो सज़ा तो मिलेगी ही। अब इसमें देखा जाता है, देखा ये जाएगा कि सज़ा कैसे मिलती है, कितना मिलता है। अब इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनको दोस्तों जो मिला हुआ है, अभी जो पद्मश्री इनको मिला हुआ है या फिर इनको जो अर्जुन अवार्ड मिला है या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, इसको वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और इसके लिए तो खेल मंत्रालय ने अभी कह दिया है कि जब तक कोर्ट साबित नहीं करेगा कि यही दोषी हैं तब तक अवार्ड वापस लेने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं अपनाया जाएगा, कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा। यानी अभी अदालत में है फैसला, अदालत जब आरोपी इनको साबित कर देगी, ठीक है, अभी केवल इल्ज़ाम लगाया गया है, तो अभी जब आरोपी अदालत द्वारा घोषित हो जाएगा इसके बाद इस पर खेल मंत्रालय के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि इनका अर्जुन अवार्ड या राजीव गांधी अवार्ड वापस लिया जाना है कि नहीं लिया जाना है, ठीक है। तो ये तो रहा एक डाउट आपका क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ ये कि क्या इनको, क्योंकि मर्डर केस में है तो क्या इनको सजाए मौत होगी या फिर आजीवन कारावास होगा, क्या इनको इन पर बैन लगाया जाएगा, तो ये सब चीज़ें देखिए सब कुछ आकर के यहीं पर टिकता है कि अदालत क्या फैसला लेती है। अब सब कुछ अदालत पर है, कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट में भी आप जानते हैं हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी एक ऑप्शन होता है। तो जब तक पूरा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको घोषित नहीं किया जाता है, तब तक साबित जब तक नहीं हो जाता है पूरी तरीके से, वैसे तो CCTV फुटेज जो सामने आई है उसमें बहुत ज़्यादा सबूत मिले हुए हैं, लेकिन अब लास्ट डिसीजन अदालत पर ही होगा, डिपेंड होगा कि इनको क्या सज़ा मिलती है। तो इसके लिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि क्या सज़ा मिलती है। दूसरी बात, एक और बच्चों का, स्टूडेंट का कमेंट आता है कि क्या इनका कैरियर खत्म हो गया सुशील कुमार का। तो देखिए दोस्तों, सुशील कुमार के कैरियर को लेकर के बात करें या फिर कहें कोई भी खिलाड़ी हो, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे पास्ट में भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने कई वर्षों के बाद बैकअप किया है, दोबारा से आए हैं और दोबारा से बैक करने के बाद, बाउंस बैक करने के बाद अच्छा प्रदर्शन भी किए हैं। यहाँ तक कि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं, कैंसर हो गया, जैसे युवराज सिंह हैं, कैंसर से वापसी किए थे, कैंसर से जीतने के बाद वापसी किए थे और दोबारा से अच्छा प्रदर्शन करने लगे थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, हो सकता है अगर इनको 2 साल 3 साल या 4 साल की जेल होती है, इसके बाद ये वापसी करें तो फिर ये अच्छा प्रदर्शन फिर से करें। तो ये भी इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार से अपने आप को मजबूत रख पाते हैं। अच्छा, एक और बात को लेकर के सुशील कुमार काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे हैं, नरसिम यादव। नरसिम यादव का नाम अगर आपने सुना होगा दोस्तों, तो 2016 में वो भी एक रेसलर थे, बहुत ही जाने माने रेसलर थे और उनसे उम्मीद भी थी भारत को कि ओलंपिक में वो मेडल लाएंगे। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है कि नरसिम यादव को डोप टेस्ट में फेल पाया जाता है। तो इसके पीछे भी बहुत विवाद हुआ था, सुशील कुमार का नाम आया था सामने, उन्होंने भी आके सामने कहा था कि हमें फंसाया गया है, हमारे साथ ऐसा किया गया है, हमें फंसाने के लिए ऐसा कुछ किया गया है, ठीक है। तो उसमें भी इनका नाम आया था, तो ये विवादों से पहले से भी घिरे हुए हैं। हालांकि अभी तक पूरा क्लियर नहीं हो पाया है कि किसने क्या किया था उस टाइम पर। फिलहाल नरसिम यादव 2016 के ओलंपिक में भाग नहीं ले पाए थे और समझ लीजिए वो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था, ना सिर्फ नरसिम यादव को और उनकी फैमिली को बल्कि हमारे इंडिया को भी लॉस हुआ था। क्योंकि उस टाइम पर नरसिम यादव एक बहुत अच्छे दावेदार माने जाते थे, मेडल की उम्मीद उनसे लगाए हुए थे। तो वहाँ से भी इनका विवादों से रहा है सामना, ठीक है, उस पर भी कई आरोप इन पर लगे थे।
फिलहाल उस मुद्दे को लेकर के हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा उस मुद्दे पर भी, और यहाँ पर भी आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना है आपको कि क्या सुशील कुमार जो है ये दोषी हैं, या इनको कितनी सज़ा मिल सकती है, या फिर क्या ये बैकअप कर पाएंगे कि नहीं। इन सब प्रश्नों के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा निष्पक्ष तरीके से, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके ऐसी सिचुएशन आ गई है कि कोई एक ऐसा ओलंपिक का विजेता, ओलंपिक का खिलाड़ी ऐसा जो दो दो मेडल ओलंपिक में जीता हो, कॉमनवेल्थ में इतने सारे मेडल्स जीते हों, और एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में, इन सब में इतने ज़्यादा मेडल जीते, फिर इतने अवार्ड्स पाए, इसके बाद भी आज वो सलाखों के पीछे जा रहा है, तो यानी अर्थ से फर्श तक का सफ़र कर रहा है। तो ये इनकी पूरी कहानी थी, इस पर आपकी क्या राय है आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके बाद क्या होगा, यानी कि ये दोबारा बैकअप करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है वीडियो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या आप ऐसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो और देखना चाहते हैं हमें ये भी बताएं। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एंड में जाते जाते आपको यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह को भी परचेज कर सकते हो। एसएससी जीडी का कोर्स आया हुआ है, अभी फुल डिटेल कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको 599 में मिल जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग MZT ऐप ओपन कीजिएगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, कोई डाउट हो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, इसके बारे में पता कर सकते हैं। हिंदी का कोर्स आया हुआ है, अगर आप ऐसी कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, तो सिर्फ 199 में आप हिंदी की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को ये दोनों कोर्स पसंद आ रहे हैं, आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है आप जाकर के MZT ऐप डाउनलोड करके पता कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का, और व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फिलहाल रखते हैं दोस्तों वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।